समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनेकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान में प्रियो नरः। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने देखिए यहां पर बताई कि किस प्रकार से भक्त जो है भगवान का, वो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है। न वो मित्रों के लिए कुछ गलत सोचता है और ना ही उनके लिए ये सोचता है कि ये मित्र हैं तो इनका ज्यादा भला करूं और वो शत्रु है तो उसका नुकसान कर दूं। शत्रुओं के लिए बुरा नहीं सोचता, वास्तव में उसके लिए कोई शत्रु है ही नहीं, उसके अपने अंतर मन में हर व्यक्ति मित्र की तरह है। यहां बताया जो मान और अपमान में संभाव रखता है, मान की अपेक्षा नहीं करता और अपमान से डरता नहीं। मान ही नहीं होगा तो अपमान क्या होगा? अपमान का अर्थ है मान का असंतोष, मान को गिराना। पर अपना सम्मान ही नहीं लिया, सम्मान की अपेक्षा ही नहीं की, तो फिर अपमान का प्रश्न ही नहीं उठा। सर्दी और गर्मी दोनों को संभाव से सहता है, सुख और दुख दोनों में संभाव रखता है, यश और अपयश में संभाव रखता है। कोई उसकी तारीफ करे या फिर कोई उसकी बुराई करे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि लक्ष्य तो भगवान है, हमारे अपने यश से क्या होगा? हमारा यश अगर फैले तो क्या होगा, लेकिन भगवान का यश फैले तो कुछ होगा, और हमारा अपयश भी फैले तो भी इससे क्या नुकसान होगा? हम तो भगवान में लगे हैं। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो भाव रखता है, इस प्रकार का व्यक्ति दूषित संग से सदैव मुक्त रहता है। जाहिर है जिसे भगवान के भक्तों और भगवान की कथाओं का संग प्राप्त हो गया हो, उसे भला दूषित संग कहां सुहाएगा? वो क्या उस तरफ कभी मुड़ेगा? कभी नहीं। तो ऐसा व्यक्ति सदैव मौन रहता है, यानी जब बोलता है तो हरि कथा बोलता है, अन्यथा वो प्रजल्प नहीं बोलता, इधर उधर की बातें नहीं करता और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। कोई भी व्यक्ति, वो ये नहीं सोचता खाने में ये बना होता तो अच्छा होता, पहनने के लिए ये होता तो अच्छा होता, मेरे पास ये पुरानी सी गाड़ी है या मेरे पास ये जो वस्तुएं हैं कितनी पुरानी है, कुछ नया हो जाता तो अच्छा होता, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करता और हर प्रकार के किसी भी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। अनिकेत शब्द आया है यहाँ पर, अनिकेत यानी बिना घर बार के। जंगल में रहना पड़े प्रभु संतुष्टि के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, तो वहाँ रह लेता है। महलों में जाना पड़ जाए तो उसे उसका भी खौफ नहीं रहता, हालांकि प्रयास यही रहता है कि एकांतिक भक्ति के लिए वन गमन किया जाए, वृंदावन जैसी श्रेष्ठतम जगहों पर रहा जाए। तो इसीलिए वो घर बार की परवाह नहीं करता कि मुझे बड़ा सा घर बनाना है और फिर उसमें आसक्त होकर मर जाना है। और ऐसा व्यक्ति जो इतने सारे गुणों का स्वामी हो प्रभु कृपा से, वो ज्ञान में दृढ़ तो होगा ही, उसे भक्ति और भगवान दोनों का ज्ञान होगा और इसीलिए वो भक्ति में सदा सर्वदा संलग्न रहेगा। और भगवान कहते हैं ऐसा ही व्यक्ति जो मुझसे युक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है।